अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन हीरापुर विश्वकर्मा भवन में किया गया। अभी जो हम आप लोग के सामने हैं वो विषय है, देश में तीन तरह का बोर्ड बना है, दो साथ वो बोर्ड बना है, बीड़ी और मनरेगा और कंस्ट्रक्शन मजदूर, भवन निर्माण मजदूर का जो बना है। उसी तरह कृषि के भी हम सरकार से मांग करते हैं कि कृषि का भी बोर्ड बनाया जाए। जो देश के निर्माण में लगा हुआ कृषि मजदूर है, जिस पर देश निर्भर करता है, आज के दिन में सरकार ने उसके लिए कोई सुविधा देकर नहीं रखी। और हम 26 जून को पूरे देश में जिला अधिकारी के माध्यम से, प्रखंड पदाधिकारी के माध्यम से, डीसी के माध्यम से हमने भारत सरकार को कृषि मंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री के नाम से पत्रक डेलीगेट के रूप में मैं भेजा है उनके माध्यम से। इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षण किया है, जो स्थिति बहुत कृषि मजदूरों के लिए कोई सुविधा नहीं है। कृषि मजदूर यदि खेत में मर जाता है तो उसकी सारी सुविधा, कोई सारी सुविधा से वंचित रह जाता है। बीड़ी और कंस्ट्रक्शन और मनरेगा को ये सारा सुविधा उसको प्राप्त है। यदि किसी तरह कोई घटना घटती है तो सरकार ने इस तरह की अच्छी व्यवस्था की है, और इसमें इस तरह की परिस्थिति कृषि मजदूरों के लिए भी लागू होना चाहिए। अभी मैं तुरंत एक पंचायत से, एक प्रखंड से मैं दौरा करके आया हूँ। वहाँ आज तक किसी तरह का कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, आज तक वहाँ किसानों के लिए बीज नहीं पहुँचा है। वहाँ इंदिरा आवास, जिसको प्रधानमंत्री आवास